हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के दौर में सोशल मीडिया और यूजर के बीच कैसा कनेक्शन है, शायद अब ये किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। मगर अगर आप फेसबुक और व्हाट्सएप का जमकर इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपको ये भी समझने की जरूरत है कि फेसबुक पर किया एक गलत शेयर आपको सलाखों के पीछे भी भिजवा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, क्योंकि बुलंदशहर के जहांगीराबाद में प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी के फोटो से छेड़छाड़ कर अश्लील बनाई गई आपत्तिजनक तस्वीर शेयर करने पर मुनव्वर खान नाम के फेसबुक यूजर पर न सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई, बल्कि एफआईआर के कुछ घंटों के भीतर ही पुलिस ने इस यूजर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए युवक पर आरोप है कि उसने प्रधानमंत्री और यूपी के सीएम के फोटो से छेड़छाड़ कर अश्लील बनाई गई उस आपत्तिजनक तस्वीर को फेसबुक पर शेयर किया, जिस फोटो को अराजक तत्वों ने फोटोशॉप के जरिए अश्लील बना डाला। नगर थाना जहांगीराबाद के अंतर्गत एक गांव आता है ठालोर, जिसका निवासी मुनव्वर खान और पुत्र गुलाम नबी, उसके द्वारा फेसबुक पर माननीय प्रधानमंत्री जी पर अभद्र टिप्पणी व उनके फोटो को अश्लील रूप से डाला गया है, और जिसके बारे में संज्ञान लेते हुए पुलिस को अवगत कराकर तहरीर दे दी गई है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी पर इस प्रकार की कोई भी टिप्पणी या इस प्रकार का कोई भी अभद्र उनके बारे में व्यवहार, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू समाज और संगठन पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, जिसके लिए हम संघर्षरत हैं। बजरंग दल गौसेवा जिला प्रमुख सतेंद्र गहाना की माने तो पीएम सीएम की आपत्तिजनक फोटो के साथ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी भी की गई, जिससे नाराज बजरंग दल गौसेवा जिला प्रमुख सतेंद्र गहाना ने मुनव्वर के खिलाफ जहांगीराबाद कोतवाली में आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया। शिकायत के बाद पुलिस ने भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता और हिंदूवादी संगठन के नेता ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए चेतावनी दी है कि पीएम और सीएम के खिलाफ कोई भी अशोभनीय हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहांगीराबाद में एक जनता के व्यक्ति के द्वारा एक शिकायती पत्र थाने पर दिया गया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के फोटोग्राफ के साथ अश्लीलता पूर्वक छेड़छाड़ करते हुए उसे फेसबुक पर डाला गया था। इस संबंध में आईटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह की ओर से दावा किया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा पहली बार नहीं जब सोशल मीडिया पर फोटोशॉप के जरिए किसी नेता की फोटो एडिट करके उसे फेसबुक पर शेयर किया गया हो, बल्कि फेसबुक पर इससे पहले भी देश के कई बड़े नेताओं की ऐसी तस्वीरें देखी गई है। खैर, व्हाट्सएप और फेसबुक के हर एक यूजर को ये समझने की जरूरत है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अश्लीलता और अराजकता फैलाना कतई गलत है और उसके लिए उसके खिलाफ कभी भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हम इस सैफी टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।